तो अभी हम पहुंच चुके हैं टूनाथ मंदिर, जैसे कि आप मेरे पीछे की तरफ देख रहे हैं, बोलो टूनाथ महाराज की। चंद्रशिला ट्रैक पर ऊपर हमारे हैं चंद्रशिला, और अभी हम लोग यहाँ से चंद्रशिला ट्रैक करने वाले हैं जो आधा किलोमीटर बचा हुआ है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेवल योगी। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज है हमारा टूंगनाथ का सेकंड डे, और आज हम यात्रा करेंगे चोपता से टूंगनाथ की और टूंगनाथ से चंद्रशिला की। अपनी यात्रा को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह की आपको अपडेट मिलती रहे, मेरा व्लॉग आप तक पहुँचता रहे। चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं हूँ चोपता में, चोपता में अपनी यात्रा स्टार्ट कर रहा हूँ टूंगनाथ के लिए। पीछे की तरफ आप देख रहे हैं, ये है गेट टूंगनाथ जाने के लिए, और यहाँ से अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं और फिर आपको दिखाएंगे आगे आगे होता है क्या। 1 किलोमीटर ऊपर ही आए हैं, हालत ख़राब हो गई है बहुत ज़्यादा, बहुत चढ़ाई है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है ना, इसलिए दिक्कत है, कहीं भी सरफेस नहीं है, बहुत गंदी चढ़ाई है। और अभी तो 4 किलोमीटर, लगभग 4 किलोमीटर बचा है, 1 किलोमीटर चढ़ा है, वाट लगने वाली है आज तो। लेकिन चलो देखते हैं, बाबा की आशीर्वाद से चलते रहें धीरे धीरे। चलिए आगे मिलते हैं आपको ऐसे थके हुए फेस के साथ। तो भाई हालत ख़राब है, काफ़ी आगे पहुंच चुके हैं, और जहां तक आपकी नज़र जाएगी ऊपर तक, वहां तक चढ़ाई चढ़ाई है, और वो भी स्ट्रेट चढ़ाई है, हालत ख़राब है। लेकिन सही है, भगवान शिव ऐसे थोड़ा ना किसी को दर्शन देते हैं, दर्शन पाने के लिए भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और सभी बहुत ज़्यादा मेहनत करके ऊपर तक जा रहे हैं, और उनको दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। सो चलते हैं ऊपर, मिलते हैं आपको। चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, बट एक बार आप हिम्मत करके चढ़ जाओगे ना, उसके बाद आपको जो व्यू मिलेगा, जो दर्शन होंगे भगवान के, सच में तृप्ति हो जाएगी आपकी तो। और ये कुछ लोग खच्चर से आ रहे हैं, यात्रीगण। हेलो, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत बढ़िया, आपको तो खच्चर से नहीं आना चाहिए था। मैं केदारनाथ चढ़ के आया। अच्छा, तो करके भी आया। तो बहुत सारे लोग केदारनाथ गए थे, घोड़े पे गए होंगे साथ में। लेकिन कोई बात नहीं, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, खच्चर खच्चर से जा रहे हैं ऊपर, पर मैं उनसे मजे ले रहा हूँ। मैंने कहा तुम खच्चर से क्यों जा रहे हो भाई, तुमको बहुत ज़्यादा फोग है। अब जाके दिखाया बाबा का मंदिर, पीछे की तरफ देखिए, मौसम एकदम साफ हो जाता है, एकदम बहुत ज़्यादा फोग आ जाती है, तो कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा। अब थोड़ा ही रह गया बस, ऊपर थोड़ा चढ़ते हैं, उसके बाद पहुंच जाएंगे। जब आप टूंगनाथ मंदिर में आते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ रहने की व्यवस्था भी, थोड़ी ये ज़्यादा नहीं है, थोड़ी रहने की व्यवस्था भी है, और यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट वगैरह हैं, यहाँ पे कुछ आप भोजन वगैरह कर सकते हैं, खा सकते हैं कुछ। तो लाइट यहाँ पर नहीं है कहीं भी, ना चोपता में लाइट है, ना यहाँ पर लाइट है, यहाँ पर सब आप देख रहे हो मेरे पीछे की तरफ, वो सब सोलर पैनल से काम चलते हैं, सोलर पैनल से यूज़ करते हैं, तो उसी से फ़ोन वोन चार्ज हो जाते हैं, बाकी लैपटॉप वगैरह आप कुछ भी चार्ज नहीं होगा, केवल फ़ोन चार्ज होगा और कैमरे की बैटरी चार्ज हो सकती है, बस उससे तो कुछ नहीं। चलते हैं ऊपर की तरफ। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ टूंगनाथ महाराज मंदिर, ये देखिए आप बोर्ड लगाए टूंगनाथ के लिए। अगर आपको चंद्रशिला जाना है तो सामने की तरफ तो बोर्ड लगाए, देखिए चंद्रशिला यहाँ से 1 किलोमीटर दिखा रहे हैं, बट जब चढ़ोगे ना आपको लगेगा जैसे 5 किलोमीटर हो। राइट साइड में ये रास्ता जा रहा है चंद्रशिला के लिए, और ये रास्ता जा रहा है टूंगनाथ मंदिर के लिए। तो अभी चलते हैं हम लोग ऊपर, यहाँ पर जूते वगैरह उतारने हैं, फिर आगे एंटर करना है मंदिर में। और ये गेट है, देख सकते हो मेरे पीछे, जब बाबा टूंगनाथ लिखा है। इस पीछे की तरफ देख रहे हैं, पंच दर्शन अगर आपको करने हैं तो उसमें लिखा हुआ है केदारनाथ जी
मधमेश्वर जी, टुंगनाथ बाबा, श्री रुद्रनाथ जी एंड कल्पेश्वर जी, ये है पंच केदार। उनमें से एक केदार है टुंगनाथ जी। तो अगर आपने केदारनाथ किया है तो आप जरूर आए यहाँ पे, तो आपके दो केदार हो जाएंगे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं टुंगनाथ मंदिर, जैसे कि आप मेरे पीछे की तरफ देख रहे हैं। बोलो टुंगनाथ महाराज की जय। तो ये मंदिर के बारे में बात की जाए तो मंदिर विश्व में सबसे ऊंचाई पर है, सबसे ऊंचा मंदिर है भगवान शिव का। और इसकी जो ऊंचाई है लगभग 3800 कुछ मीटर की ऊंचाई है। और मंदिर में आप तो चोपता से ऊपर आओगे, चढ़ने चढ़ने में आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, बट ऊपर आके जो आपको आपकी जो हम शरीर के बाहर की जो सफाई करते हैं तो रोज ही करते हैं, रोज ही स्नान करते हैं, बट आज आपका जब आप मंदिर में आएंगे तो आपके आंतरिक स्नान हो जाएगा मंदिर में आके। इतनी खूबसूरत है मंदिर, मतलब यहाँ पे आने की यहाँ की वाइब्स इतनी अच्छी है कि आप जब मंदिर में आओगे आपको आपके भाव भी चेंज हो जाएंगे, सब कुछ आप भगवान के बिल्कुल स्मरण करोगे, आपके अंदर से ऐसे अंदर की चीज़ें निकलती हैं। बहुत खूबसूरत जगह है और बहुत धार्मिक स्थल कहेंगे इसको हम, भगवान शिव का। पंच केदारों में से एक केदार है टुंगनाथ, जैसे केदारनाथ है, कल्पेश्वर है, इसी तरह से टुंगनाथ मंदिर है भगवान का। जो लोग नहीं आ पाते केदारनाथ मंदिर, तो यहाँ पे भी अगर दर्शन करेंगे तो उनको उतना ही लाभ प्राप्त होगा जितना केदारनाथ भगवान के दर्शन करने पे होता है। तो चलते हैं मंदिर के अंदर और दर्शन करते हैं भगवान। महाराज की जय। बोल भगवान शिव की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। भगवान टुंगनाथ के दर्शन हो गए हैं और बड़े ही अच्छे दर्शन हुए, बड़ा अच्छा लगा के, शांति मिली बहुत ज़्यादा। अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ चंद्रशिला ट्रैक, यहाँ से देखो 1 किलोमीटर ऊपर है अजी वाला ट्रैक है, तो मैं जा रहा हूँ यहाँ चंद्रशिला ट्रैक। मुझे जाने में लगभग 1 घंटा, मान के चलो 1 घंटा लगेगा, और ऊपर का व्यू भी दिखाऊंगा आपको फिर कैसा है। तो अभी मैं टुंगनाथ से चंद्रशिला ट्रैक ऊपर करते हुए ऊपर आ गया हूँ, और आप मेरे पीछे की तरफ व्यू देख रहे हैं, वो है सनराइज़ व्यू। थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए बट हम लोग देख पाए हैं थोड़ा। मेरे पीछे की तरफ आप देख रहे हैं सारे हिमालयाज, जो बिल्कुल आपको जब आप आँखों से देखोगे ना, कैमरे में तो आपको दिख रहे हैं कि दूर होंगे, बट जब आप अपने आँखों के सामने देखोगे तो आपको बहुत अच्छे व्यू दिखाई देंगे, बहुत ही खूबसूरत। चंद्रशिला ट्रैक पर ऊपर हमारे हैं चंद्रशिला, और अभी हम लोग यहाँ से चंद्रशिला ट्रैक करने वाले हैं। जो आधा किलोमीटर बचा हुआ है हम लोग यहाँ पे इसलिए रुके थे क्योंकि यहाँ से जो सनराइज़ का व्यू था वो बहुत खूबसूरत था और बहुत ही मज़ा आ रहा था देखने में। तो थोड़ा सा बचा है बस चंद्रशिला ट्रैक, उसको कवर करेंगे फिर आपको ऊपर से व्यू दिखाएंगे बहुत ही अच्छा। तो अभी चलते हैं यहाँ से ऊपर, चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा दूर रह गया बस, मेरे पीछे की तरफ देख रहे हो टॉप, वहाँ पे जाना है हमें। हालत ख़राब है क्योंकि बर्फ़ पड़ गई ना यहाँ पर, मुझे लग रहा है ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा सा कम है बर्फ़ पड़ने के कारण। और वैसे तो मज़ा आ रहा है, बहुत स्मूथिंग है कि पीछे के जो व्यू है ना भाई, व्यू बहुत अच्छे हैं। आप व्यू देख के आपके दिल ना मतलब रुकेगा कि यार मतलब पहले क्यों नहीं आया मैं, और आप बार बार आना चाहोगे ऐसी जगह। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं चंद्रशिला ट्रैक, चंद्रशिला पर पीछे मेरे आप देख रहे हैं चंद्रशिला मंदिर, और छोटा सा मंदिर है यहाँ पे। और ये जो ट्रैक है ये लगभग समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पे है, और ये
पर्वतों की श्रृंखला में आता है और सबसे ऊंचा है। मेरी चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो सबसे ऊंचा पर्वत है ये, और सारे हिमालयाज यहाँ से दिख रहे हैं, केदारनाथ के हिमालयाज भी दिख रहे हैं यहाँ से, तो हिमालयाज की रेंज में आता है। बहुत सुंदर जगह है ये। अभी यहाँ से 8-10 दिन बाद तो पूरा बर्फ़ ढक जाएगा, अभी रात भी बर्फ़ पड़ी है। और चंदशिला ट्रैक जब आप आएंगे, आपको आने में थोड़ी तकलीफ़ होगी, बट इतना मज़ा आपको आएगा, इतना आनंद आपको आएगा कि मैं आपको बता नहीं सकता कितना खूबसूरत जगह है। चंदशिला पीक हिमालय की रेंज में आता है, और ये मतलब यहाँ से सामने की तरफ आप देखिए पूरे हिमालय दिखेंगे आपको, इससे ऊपर कोई भी माउंटेन नहीं दिखेगा। सबसे ऊपर होंगे आपसे ऊपर होंगे सारे माउंटेन, यहाँ तक कि केदारनाथ वाले जो माउंटेन है वो भी आपको यहाँ से दिखाई दे रहे हैं, और वो नीचे हैं यहाँ से। ये पीक पॉइंट है, इसलिए 4000 मीटर की ऊंचाई पर है, और बहुत ही सुंदर, मतलब बहुत ही सुंदर आपको लगेगा कि आप इस दुनिया से कहीं अलग आ गए हैं। तो जब मैंने ट्रैकिंग स्टार्ट की थी तो मेरे साथ भाई लोग भी थे, तीन भाई लोग और हैं जो पीछे भी फ़ोटो वगैरह करा रहे हैं। तो ये लोग भाई बनारस से हैं, और इतनी अच्छी धरती से हैं बनारस की, काशी विश्वनाथ से हैं वे सभी लोग, और यहाँ घूमने आए हैं। तो मेरे साथ इनका अच्छा जमा, हम लोग साथ में ही रुके, और अभी हम लोग ट्रैकिंग भी साथ में की। इन लोगों के एक्सपीरियंस क्या हैं आप इनसे जान लेते हैं, आपको कैसा लगा बताइए भाई। बहुत आनंद आया। स्वर्ग है भैया, स्वर्ग है, कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। स्विट्ज़रलैंड वगैरह पैसा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ही आपको बहुत आनंद आएगा। आप फैमिली के साथ तो नहीं, लेकिन आप सोलो आ सकते हैं। बहुत ही आनंद है यहाँ पर, एकदम जन्नत है, जन्नत बहुत ही बढ़िया है। सो गाइस, बड़े अच्छे से टुंगनाथ भगवान के दर्शन हो गए हैं, चंदशिला जी के दर्शन हो गए हैं। सो दर्शन करने के बाद अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सुंदर जगह थी, बहुत खूबसूरत जगह थी, और सच में दिल सा लग गया वहाँ पे आने के बाद। हम सबसे ऊंचाई पे होते हैं, हमारे से ऊँचे ऊपर कोई नहीं होता है, और बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर द वॉचिंग माई दिस व्लॉग, एंड ज़रूर आना, आपको ज़रूर बोलूँगा कि ज़रूर आना। एंड अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियो मैं आपको दिखाता रहूँ, और भगवान का आशीर्वाद आप तक भी पहुँचता रहे। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।